स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखें, फाइंड द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 11। इनमें से हम वो नंबर चूज करेंगे जो कम्प्लीटली 11 पे डिवाइड होंगे। पहले ये ए पार्ट में देखें, ये एक नंबर लिखा हुआ 5155। क्या ये नंबर 11 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? तो पहले हम इसको चेक करेंगे। इस नंबर को चेक करने का तरीका ये है कि पहले हम इसके ओड प्लेसेस वाले नंबर चेक करेंगे, ओड प्लेस पे जो आ रहे हैं। इस 5 को और इस 1 को पहले प्लस करेंगे जी। इनको प्लस किया 1 और 5 को, इनका सम क्या आ रहा है? 6। अब हम इवन प्लेसेस वाले डिजिट को प्लस करेंगे जो इवन प्लेस पे हैं, ये 5 इस 5 को और इस 5 को जी। ये इवन प्लेसेस वाले नंबर को प्लस किया तो इनका सम आ रहा है 10। अब हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस अगर 11 आ जाए या 0 आ जाए, इन दोनों में से कोई भी आंसर आ जाए, तो फिर ये नंबर पूरा पूरा 11 पे डिवाइड हो जाएगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस 11 या 0 ना आए, तो फिर ये नंबर डिवाइड 11 पे नहीं होगा जी। यहाँ देखें, 10 में से 6 माइनस किया है तो इनका डिफरेंस आ गया 4। ये 4 11 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, तो फिर ये नंबर 11 पे डिवाइड नहीं होगा 5155। अगर हम इसको 11 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अब इसी फार्मूले से हम ये नंबर भी चेक करेंगे, क्या ये 11 पे डिवाइड हो जाएगा? 8415। अब इसमें पहले मैंने ये ओड प्लेसेस वाले नंबर को चेक किया, इनको प्लस किया तो इनका आंसर आ रहा है 9। फिर मैंने ये इवन प्लेस पे जो नंबर है उनको प्लस किया, 8 + 1, इनका आंसर क्या आ रहा है? 9। अब हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, 9 में से 9 माइनस करेंगे। इसमें देखें, 9 में से 9 माइनस किया तो क्या आंसर आया? 0 जी। इनके सम का डिफरेंस आ गया 0, तो फिर ये पूरा नंबर ही 11 पे डिवाइड हो जाएगा। इसको हम 11 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्योंकि जिनका डिफरेंस ये 0 या 11 आ जाए तो वो नंबर पूरा पूरा 11 पे डिवाइड हो जाता है। इसका डिफरेंस क्या आया था? 0, तो इसीलिए ये नंबर भी 11 पे डिवाइड हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम ये नंबर भी चेक करेंगे सी पार्ट में, 2550, क्या ये 11 पे डिवाइड हो जाएगा? इसमें भी पहले हम ओड प्लेस वाले नंबर प्लस करेंगे, 0 और 5। ये ओड प्लेस वाले नंबर प्लस किए हैं, 5 + 0 तो क्या आंसर है? 5। अब हम ये इवन प्लेस वाले नंबर चेक करेंगे, 2 + 5, 2 + 5, इसका आंसर क्या आएगा? 7। अब हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे जी। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 5 और 7 का 2, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब ये 2 11 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, तो फिर ये नंबर भी 11 पे डिवाइड नहीं होगा। इसको हम 11 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अब इसी तरीके से हम ये नंबर भी चेक करेंगे जी। अब यहाँ देखें, ओड प्लेस वाले डिजिट का सम है 9, 3 + 6 9, और इवन प्लेस में जो लिखे हुए हैं 3 + 7, इनका सम है 10। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 1 आएगा, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 11 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, तो फिर ये नंबर भी 11 पे डिवाइड नहीं होगा। अब इसी तरीके से ही हम ये नंबर भी चेक करेंगे, इसके भी पहले ओड प्लेस वाले नंबर को प्लस करेंगे, 3 + 3 6 + 5 11, इनका सम आ रहा है 11। फिर हम ये इवन प्लेस वाले प्लस करेंगे, 1 + 4 5 5 + 6 11। अब हम ये 11 में से 11 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0, इनका डिफरेंस आ गया 0, तो फिर ये नंबर डिवाइड हो जाएगा 11 पे। इसको हम चूज़ करेंगे, अगर इसको हम 11 पे डिवाइड करेंगे तो इसका भी रिमाइंडर 0 आएगा। अब इसी तरीके से हम ये नंबर भी चेक करेंगे एफ पार्ट में, इसमें भी हम पहले ओड प्लेसेस वाले नंबर को प्लस करेंगे, 5 + 7 12 12 + 3 15, इनका सम आ रहा है 15। फिर हम ये इवन प्लेस वाले नंबर चेक करेंगे, 9 + 5 14 14 + 1 15, इनका भी सम 15। अब 15 में से 15 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, इनका डिफरेंस 0 है, तो ये नंबर भी फिर डिवाइड हो जाएगा 11 पे, ये भी हम चूज़ करेंगे। अब इसी तरीके से हम ये भी नंबर चेक करेंगे, इसमें पहले ओड प्लेसेस वाले नंबर को चेक प्लस करेंगे, 1 + 3 4 4 + 5 9 9 + 6 7 16, इनका सम आ रहा है 16। अब हम इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उनका भी सम फाइंड करेंगे, 2 + 4 6 6 + 6 12,
इनका सम आ रहा है 12। अब 16 में से 12 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। ये इनका डिफरेंस 11 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, तो फिर ये जी पार्ट में जो नंबर है ये भी 11 पे डिवाइड नहीं होगा। अब इसी तरीके से हम लास्ट नंबर भी चेक करेंगे, क्या ये 11 पे डिवाइड हो जाएगा। इसके भी पहले हम ओड प्लेस वाले नंबर प्लस करके देखेंगे। आप इस साइड में भी इसको प्लस कर सकते हैं, इसको ओड बना सकते हैं। ये 2 + 2 = 4 + 1 = 5 + 1 = 6, इनका सम आ रहा है 6। अब हम बाकी नंबर का भी सम फाइंड करेंगे। 2 + 2 = 4 + 1 = 5 + 1 = 6, इनका भी सम आ रहा है 6। अब हम ये 6 में से 6 माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस आएगा 0। इनका डिफरेंस 0 है तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 11 पे। इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसको 11 पे डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा।